नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। एक वर्टेक्स का ट्रायंगल सेंटर है। एंड सर्कल इज ड्रोन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। एज सर्कल इज ड्रोन विद रेडियस, रेडियस जो इक्वल है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, हाफ लेंथ के हाफ से। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन इसका एरिया फाइंड करना है, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 है और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73205 ये दी हुई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू दिया हुआ हमें 17320.5 सेंटीमीटर की स्केल। अब रिलेटिव इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रूट 3/4 इंटू साइड की स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 17320.5। तो हमारे पास हो जाएगा साइड की स्क्वायर इक्वल टू 17320.5, रूट 3/4 बन जाएगा 4/√3। तो ये हो जाएगा साइड की स्क्वायर इक्वल टू 17320.5 इंटू 4, और रूट 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। रूट 3 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1.73205। अब पॉइंट हटा देते हैं इनके, 17320.5, अब पॉइंट, इसके पॉइंट के बाद एक वैल्यू नीचे 10 चल जाएगा इंटू 4 इंटू 17320.5। इसके बाद पॉइंट की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 है, 2, 3, 4, 5 है। अब इससे तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइड की स्क्वायर इक्वल टू 4 के बाद कितनी 0 बच गई, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब ये स्क्वायर रूट हम बनाएंगे, स्क्वायर है 4 की स्क्वायर 2 होती है, और 2 0 है ना, 2 0 का 1 0 0 स्क्वायर में बन जाता है। तो हमारे पास हो जाएगा साइड की स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, साइड आ रहा है हमारे पास 200। ठीक है, हमें चाहिए रेडियस, रेडियस होता है साइड बाय 2, साइड मतलब एक तरह का डायमीटर ही हो गया इसका पूरा, तो साइड बाय 2 हो जाएगा 200/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम निकाल देंगे एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी, ये सेक्टर है ए बी सी डी ई, एरिया ऑफ द सेक्टर डी ई, और ये एंगल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर ए डी ई, एरिया ऑफ सेक्टर ए डी ई, ए डी ई, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ए डी ई थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 3 सेक्टर बनते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, हो जाएगी 3 थीटा 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हटा के नीचे 100, रेडियस की स्क्वायर 100 इंटू 100, ये 100 से ये 100 कट गया, 6 का 36, 3 2 का 6, 2 की इससे कटिंग कर देते हैं 157, ये हमारे पास हो गया 1570 सेंटीमीटर की स्क्वायर। हमने निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ
तीन सेक्टर का जो एरिया, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास है 17320.5 और इसका है 15700। तो 17320.5 इसका आ गया 15700, माइनस कर देंगे 0.5 का 0.5, 0 का 0, 2 का 2, 13 में से 7 गए 6 का 13, 6 में से 5 गए 1, 1620.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये हमारे सम का आंसर आ गया।